आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। विकास खंड जमालपुर अंतर्गत ग्राम भोगरौंद के लोहराजपुर बस्ती में हर घर को नल द्वारा शुद्ध पेयजल देने की गारंटी योजना के तहत सभी घरों को कनेक्शन हो गया है तथा पहले से ही गांव में 3-4 हैंडपंप भी लगे हुए हैं। किसी भी नल में पानी नहीं आता है और ना ही गारंटी वाले नल से मजबूरन पहाड़ के किनारे बसे 50 परिवारों वाले वनवासी व सोनकर बस्ती के लोग गाँव से करीब 500 मीटर दूर खेत में स्थित जर्जर जगह विहीन कुएं से गंदा पानी लाकर पीने के लिए मजबूर है। इस तपती गर्मी के मौसम में छोटे छोटे बच्चे महिलाएं दिन भर कुएं से पानी ढोते रहते हैं। कायदे से इनके पास एक मजबूत रस्सी भी नहीं है कि जिससे ये लोग कुएं से पानी निकाल सकें। एक ही रस्सी के सहारे दोनों किनारों पर बाल्टी बांधकर एक कुएं में डालते हैं तो दूसरे से पानी निकालते हैं। जगत विहीन कुएं से छोटे छोटे बच्चों द्वारा पानी निकालना काफी खतरनाक साबित हो रहा है। कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जबकि इस समय पेयजल समस्या के निवारण हेतु ब्लॉक पर कंट्रोल रूम भी खोला गया, लेकिन यहां के पेयजल की स्थिति को देखकर तो यही लगता है कि शायद विभाग द्वारा ऑफिसों में बैठकर सिर्फ कोरम पूरा किया जा रहा है। जानकारी होने पर अन्य दाता मंच के संयोजक चौधरी रमेश सिंह द्वारा मौके पर पहुंचकर वनवासियों के पेयजल की समस्या से अवगत होकर बबलू, मल्लू, माधुरी, गुड़िया, लालजी, वृक्ष, मालती आदि लोगों के साथ मिलकर शासन से तुरंत हैंडपंप मरम्मत कराने की मांग करते हुए कहा कि पेयजल की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक टैंकर से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए। इस भयंकर गर्मी में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु विकासखंड कार्यालय में एक कंट्रोल रूम भी खोला गया है, जहां पर ग्रामीण अपने पेयजल की समस्या को जाकर के अवगत करा सकते हैं और समाधान करा सकते हैं। लेकिन इस समय लोहराजपुर गांव में जो ग्राम पंचायत भोगरौंद का एक मजरा है, वहाँ वनवासियों का परिवार रहता है, 30 परिवार, वहाँ पर जितने भी हैंडपम्प 3-4 हैं वो सब खराब हो गए हैं, लगे हुए हैं, खराब हैं। और जल नल वाला योजना वाला पाइप भी लगा है जो ऐसे ही जल से भरा हुआ है। आज वहाँ पानी की बहुत विकराल समस्या है। वहाँ के लोग एक खेत में 5 मीटर दूर कुआं स्थित उससे पानी लेकर मजबूरन पी रहे हैं, गंदा भी पानी है। लिहाजा शासन से मांग है कि तत्काल वहाँ पर कोई व्यवस्था, जब तक हैंडपम्प की नहीं हो जाती है तब तक टैंकर से पानी पहुँचा करके वनवासियों के पेयजल की समस्या को दूर किया जाए। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।